और आज लगभग 3 साल के बाद हमारा भूजो भी घर से बाहर निकलेगा। विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे जाना है। भूजो आ गया कंडा बनाने के लिए। तो इतनी मेहनत करने के बाद तब बेटियों के लिए कंटर भरे जाते हैं और तब वो अपनी ससुराल लेके जाते। ऐसे लगाओ जोर तब बनेंगे रोटाने सुंदर। तो कल इसके परांठे बनाऊंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शेमाल, देव भूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षिल ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 12 बजे से। तो आज मौसम की बात की जाए तो काफी अच्छी धूप निकली हुई है। तो आज है संडे का दिन, तो हम लोगों के यहाँ पे होता है गढ़वाल में जैसे माओ का महीना होता है, तो माओ के महीने जो ध्यान होती है तो उनको कंडा दिया जाता है, यानी कलियो दिया जाता है। तो आज माँ जी लोगों ने भी मुझे बुला रखा है, आज हम लोगों का कलियो बन रहा है। तो माँ ने कहा छुट्टी है तो खाना भी यहीं पे खाना। और आज लगभग 3 साल के बाद हमारा भूजो भी घर से बाहर निकलेगा, क्योंकि जब हमने भूजो लाया था तो भूजो 2-3 महीने का ही था, तो लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन से ये कहीं बाहर नहीं गया। तो आज इसको भी अपने माँ के घर लेके जाऊंगी। तो मुझे तो लगता नहीं कि सीढ़ी से नीचे उतरेगा, क्योंकि इसको विश्वास ही नहीं होता कि मुझे नीचे भी जाना है। तो इसका जो है ये छत है और कमरा है, तो यार इसकी खुशी भी हम लोगों की खुशी है। तो ये जैसे हमें देखे खुश होता है, तो मैं सोच रही हूँ भूजो को आज लेके जाऊं और इसको थोड़ा बाहर का नजारा दिखाऊं। तो इसको तैयार करती हूं। तो अब भूजो को भी तैयार करती हूं। सबसे पहले इसका मुंह हाथ साफ करवाऊंगी, ऊपर करो। आज जैसे इसको बोलते ना कि मुंह साफ करना, बिल्कुल शांत बैठ जाता है। मुझे आज घूमने जाना है बच्चे, आज मुंह साफ करना है, आज नानी हाउस जाना है। तो अब पहनाती हूँ भूजो को ये जो बॉडी का गार्ड होता है, ताकि इसके गले में जोर न पड़े। तो ले चलते हैं इसको, तो देखो कैसा तैयार हो गया जाने के लिए। और ये भूजो को गार्ड पहना रहे अभी। तो इसी गार्ड से पता चल रहा है कि भूजो ने 1 साल में बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, गार्ड एकदम बिल्कुल आ ही नहीं रहा इसको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है एडजस्ट करने में। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ, विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे जाना है। चलो आजा आजा, शाबाश। और फाइनली रोड पे आ गया भूजो। तो गाड़ी में बिठाने के लिए ना 2-2 जनों को पकड़ना पड़ रहा ना है ना। और फाइनली हम लोगों ने उसको गाड़ी में बिठा दिया, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई। ये बैठ गया हमारा भूजो गाड़ी में। भूजो आशे भूजो घूमी घूमी जाना है। और फाइनली पहुंच गए अपने मायके में। तो भूजो बड़े शांत से आया, थोड़ी देर रहा, लेकिन अब बड़े प्यार से बैठा हुआ है। चलो नानी के घर। आज कंडा तो भाई दीदी नहीं अभी संभालो अपना लट्टा पट्टा। भाई भूजो आ गया कंडा बनाने के लिए। आजा भूजो अंदर, भूजो नानी के घर में आजा। यहाँ आके ना हमारा भूजो एकदम फ्री हो गया, खुला छोड़ दिया, तो देखो सारा घूम रहा है। हम तो भूजो को लाए कंडा बनाने। भाई जी प्रणाम। बढ़िया भाई जी प्रणाम। वो कंडा बनाने पे लगे हुए, देखो जरा बहनों के लिए कंडा बन रहे भाई। संडे का सदुपयोग हो रहा है भाई आज। अरे देखो ये गुड़ उबल रहा है इसमें भी, और ये चावल है पीसे हुए, मतलब जो भीगे हुए चावल पीसे हुए होते हैं ना, तो इनके डालना पड़ता है इनको अब उसके साथ और मिक्स करना पड़ता है। तो एक जने डाल रहा है और एक जने मिक्स कर रहा है। और सबसे ज्यादा टफ काम यही होता है मिक्स करना, बिल्कुल बहुत जान लगानी पड़ती है। भाई
अच्छे से मिला दिया बहुत ही तरीके से और एकदम फिट हो गया। अरसा घेटने के बाद अब भाभी ने बना रखा खाना और खाना खाते हैं, उसके बाद अरसा बनाना शुरू करते हैं। तो खाना भाभी जी ने रख दिया, बिल्कुल थाली सजा दी हम लोगों के लिए और स्वादिष्ट लंच का आनंद लेती हो। खाना खाने के बाद ये भूजू के लिए बनाई रोटी, तो ये भूजू की रोटी तैयार हो गई। भूजू और भूजू को हमने एकदम चैनल के अंदर बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो हमने कहा कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए क्योंकि इतना ज़्यादा भाग रहा है, जब से आया बस मकान के चारों तरफ भाग रहा है। तो इसको दूध में दूंगी, रोटी ऐसे सूखी रोटी तो इसने बिल्कुल छोड़ दी, तो देखी तक भी नहीं ये रोटी। तो ये बोतल में दूध इसका, और खाना खाने के बाद ये बन रही यहाँ पे रोटाने, तो रोटाने के लिए ये आटा गूंदा हुआ है, रात में रखते हैं तब उसमें फिर ऐसे पोखर बना के फिर उसमें तेल घी डालते हैं, तब ऐसे ऐसे मलते हैं हाथों से, ऐसे ऐसे मला जाता है, तब फिर जब खूब मले तब उसमें फिर और वह खोपे सौंफ और काली मिर्च तिल ना, तब उसको मिला के सुंदर के और तब डालते हैं उसमें गुड़ का शरबत डालते हैं, तब उसको ऐसे मारते हैं, ऐसे मार के खूब उसको ऐसे मारते हैं खूब बहुत देर तक, तब वो अच्छा हो जाता है, तब फिर उनको ऐसे गोले बना के तब छापते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद तब बेटियों के लिए कंटर भरे जाते हैं और तब वो अपनी ससुराल लेके जाती है। ये माँ की ममता देखो तो जरा और ये है रोटाने के सांचे, तो ऐसे ऐसे करके इसको गोल बनाया जाता है ऐसे ये, और फिर ये सांचे में रखा जाता है ऐसे, और फिर इसको ऊपर से ऐसे दबाते हैं, ऐसे थोड़ा ऊपर से जोर लगाते हैं और ऐसे दबाते हैं, और तो ये सांचे में ऐसे बनते हैं। तो हम लोगों की यहाँ पे बोलते हैं इसको रोटाने, ऐसे खाने में नहीं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्थी भी होते हैं, बहुत प्रोटीन से भरा हुआ होता है क्योंकि जैसे गेहूं की रोटी होती है ना, तो आप आटा तो कितना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो वैसे ही है ये भी। हाँ ये जो है माघ के महीने, इसकी रीत क्या है, हर ध्याणी को माघ के महीने वो बोलते हैं इसके लिए क्या कंडा, हमारे यहाँ तो हमारी टीरी में तो कलेव बोलते हैं, लड़की को कलेव दिया आज, लेकिन उत्तरकाशी जिले में इसको क्या बोलते हैं, कंड दिया आज। ऐसे लगाओ जो तब बनेंगे रोटाने सुंदर पतले पतले करारे, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे भाई अगर मोटे बनेंगे तो। तो रोटाना छापने के बाद यहाँ पे जला दिया मैंने चूल्हा और उसके ऊपर रख दी कढ़ाई, और ये जो हमने थोड़ी देर पहले खेंटा था, हमारे घर वाले बोलते खेंटा, तो ये इस तरह से थोड़ा ठंडा हो गया, ठंडा होने पे इस तरह से हुआ ये, तो ये रख दी कढ़ाई, अब इसमें डालेंगे तेल और फिर बनवाएंगे अरसे। और जो अरसे बन रहे हैं पेवर कच्ची धानी सरसों के तेल में बन रहे हैं, बूजो आज खाने नहीं खा रहा, तो मेरे हस्बैंड आए अभी नीचे, तो बिल्कुल जैसे बच्चे को प्यार प्यार से सहलाना पड़ता ना वैसे इसको सहलाए, अब जाके खाना खा रहा है। और जो फर्स्ट में डाले जाते हैं तो एक चूल्हे पे चढ़ाई जाती है और एक अग्नि को, तैयार हो गए, अब आ गया रोटाने का नंबर। तो अभी आई हूँ माजी लोगों के ग्यारी में, कुछ सब्जी वगैरह निकालती हूँ उत्तरकाशी के लिए, धनिया तो काफी अच्छी सब्जी हो रखी है आजकल, मूलियां भी हो रखी है,
निकाल दी मूली और धनिया पालक और से भी बन गए, यानी कंडा भी बन गया और सब्जी भी निकाल दी। तो कल इसके परांठे बनाऊंगी। अरसा रोटाना बनाने के बाद अभी हम लोगों ने चाय पी, तो अब माँ जी मेरे लिए पेटी में रख रही है, मेरे लिए पेटी में पैक कर रही है और दीदी के लिए जो कनस्तर होता है ना, कंटर बोलते हैं हम लोगों यहाँ पे, जो सरसों का तेल का या रिफाइंड का होता है। अंडा भी तैयार हो गया, सब्जी भी भाभी जी थैली में रख रही है। लेके चली गई अपना कंडा, अब बांटूंगी बाजार में अपने पास पड़ोस में, ज्यादा तो गांव है नहीं कि मुझे पूरे गांव में बांटना है। अब निकल रही हूँ यहाँ से उत्तरकाशी के लिए, कंडा लेके चली गई। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपका अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय। Okay.